हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 को और ये डेमो वीडियो है। इस पर आज शाम को एक वीडियो बनेगी लंबी, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस तरह का सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कैसे कर सकते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देने के लिए बस, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म है, जहाँ ओपन फॉर्म का बटन है और यहाँ कॉम्बो लगाया, तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करते हो सिर्फ वही रिकॉर्ड आपको शो करते हैं। देख सकते हैं, यहाँ से इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए रोल नंबर, यहाँ से आईडी 3 सेलेक्ट किया तो 3 वाला रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होगा। और जैसे ही हम क्वेरी पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये रोल नंबर 3 वाला सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे रोल नंबर 3 का पूरा रिजल्ट शो कर रहा है, ये देख सकते हैं। अब इसका प्रिंटआउट भी आप दे सकते हैं, कंट्रोल पी करके प्रिंटआउट दे देंगे तो प्रिंटआउट भी आ जाएगा, इसका प्रीव्यू भी देखा जा सकता है। तो ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये कैसे बनाया मैंने, इसको डिटेल में आपको वैसे इस तरह के सॉफ्टवेयर की अगर जरूरत है तो आसानी से आप बना सकते हैं, यहाँ पे नाम वगैरह चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट में आपको परसेंटेज भी शो करेगा, ये ग्रैंड टोटल भी शो करेगा, सारा कुछ जैसे डिटेल में आता है बिल्कुल वैसे ही ये शो होगा। तो ये कैसे हुआ, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, फिर उसमें आपको बताता हूँ कि ये किस किस तरीके से मैंने किया है, ठीक है ना। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक आदमी का रिजल्ट है, देखिए ना, ये पर्टिकुलर रोल नंबर 3 वाले का रिजल्ट है, ठीक है। अगर आप यहां से चेंज करते हैं, रोल नंबर 3 1 कर देते हैं, 1 कर दिया, तो यहां पे 1 करने के बाद ये पर्टिकुलर 1 वाले का रिजल्ट है। ये एक ही बच्चे का रिजल्ट आपको यहां पे मिलेगा और आप इसको प्रिंट आउट करके दे भी सकते हैं। अब इसमें ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, आसान है, ठीक है। तो टेम्पलेट भी आपका इसी तरह का होता है, जब आप एक्सेस को ओपन करते हो, जैसे मैं आपको ये क्लोज करके दिखा सकता हूँ कि ये टेम्पलेट आपको कैसा दिखेगा, इसको यहां से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट भी कुछ इसी तरीके का होता है, जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल उसी टाइप का एक आपको टेम्पलेट मिल जाता है। तो ये देखिए, ये टेम्पलेट है, तो स्टूडेंट पे जाएंगे तो ये आप थोड़ी देर वेट करना होगा, या क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट भी कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। तो आप इस तरीके का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। तो आज शाम का वेट कीजिए, आज शाम को ये बात बताता हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, ये टेम्पलेट भी डाउनलोड होने ही वाला है, तो इसको भी दिखाई देता हूँ ये किस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। तो देखिए, ये टेम्पलेट है आपका, ठीक है। और इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर मैंने भी बनाया, आपको दिखाया अभी, तो ये जैसे ही ओपन होता है आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है। देखिए, ये इस तरीके का आ रहा है, देख रहे हैं। इसमें स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट के लिए अलग से यहाँ पे सेट कर दिया गया है, और बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे फॉर्म्स भी बनाए गए। मैंने केवल एक ही फॉर्म बनाया, आप देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, मैंने केवल एक फॉर्म बनाया है, लेकिन इसमें कई सारे फॉर्म्स बनाए गए हैं। तो एक डेमो देने के लिए आपको केवल ये बनाया था मैंने वीडियो। आई होप की बात समझ में आई होगी, और शाम को जब वीडियो अपलोड करूंगा तो तैयार रहिएगा, बिल्कुल इसी तरह की वीडियो आपको मिलेगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।